यदि बात करें तो इंडिया में फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, यहाँ पे फूड डिफिशिएंट से हम फूड सिक्योरिटी की तरफ आगे बढ़ गए। आज भारत दुनिया में कई सारे देशों को अनाज सप्लाई करने की पोजीशन में भी रहता है। पिछले कुछ समय में प्रोडक्शन हमने क्रॉप को शिफ्ट किया, हम लोगों ने अधिक फायदे वाली क्रॉप को जो है वो ग्रो करने लगे भी। तो इसलिए आज से देखें तो भारत में आज आप देखो तो कुछ गिनी चुनी चीज होती है, कुछ समय के लिए टमाटर, कुछ समय के लिए आपका प्याज, कुछ समय अदरवाइज, लेकिन मेनली देखा जाए तो जो ग्रेन जो है वो उसकी, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारे पास में, सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारे पास में, ठीक है, और हम सबसे अधिक, ये मुझे बड़ा दुख होता है, सबसे अधिक फूड का वेस्टेज हम लोग करते हैं शादी विवाह में, सबसे बड़ा वेस्टेज करते हैं हम लोग फूड का, उसकी वैल्यू को समझा। और मैं इतने बड़े बड़े जो फंक्शन होते हैं ना, मैं तो इनको बिल्कुल इररिलेवेंट समझता हूँ मैं, ठीक है, वो जो इतना पैसा खर्च होता है उसको, क्योंकि कारण ये है कि वो जो बात वो नहीं कि मैं खरीद सकता हूँ, खरीद तो आप कुछ भी सकते हैं चलिए, लेकिन उसके पीछे का पूरा जो एफर्ट है, एक ब्रेड बनाने के पीछे जो एफर्ट है पूरा, उसमें कितने लोग हैं इन्वॉल्व उसके अंदर, लेकिन ह्यूमन बींग्स पहली पार्टी तो हमारी ह्यूमन बींग्स है जो भूखे हैं उनके लिए, ठीक है। तो हमारे एक, मेरे एक मित्र हैं, उनका मैं नाम नहीं ले सकता अभी चूंकि वो रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं, वो कहीं के कलेक्टर थे एमपी में, वो सेंसिटिव आदमी है, तो उन्होंने जो है वो मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड, तो उन्होंने जो है वहाँ पे फूड बैंक इस्टेब्लिश किया, आपके घर में खाना बचता है, एक उन्होंने रेस्टोरेंट बना बना के उन्होंने कहा कि भाई खाना बचता है ठीक क्वालिटी का, एक बंदा वहाँ पे चेक करेगा, फिर आपके घर का खाना वहाँ रख देगा, जो गरीब लोग हैं जो खाना नहीं खरीद सकते वो वहाँ आते थे, वहाँ से कूपन लेंगे, सिर्फ एक रुपया देंगे, वो एक रुपया इसलिए ताकि वो अननेसेसरी फूड को बर्बाद ना करें, एक रुपया देंगे और वो एक रुपये में जो भी उन्हें खाना है पूरा खाना लगा देंगे, खाना उसमें से छाट के खा लेंगे, वो बड़ा सफलतम उपाय रहा वो। तो लोग बाग जब मैं यूरोप गया, देखा मैंने यहाँ पे लोग आएंगे, और ये सच्चाई है, पहले मैंने सुन रखा था, जब मैंने खुद महसूस किया कि हाँ एक्चुअली में है ऐसा, लोग जाएंगे दो कॉफ़ी ऑर्डर करेंगे, एक कॉफ़ी सर्व करने को बोलेंगे, एक का बिल निकाल के पेस्ट कर देंगे वहाँ पे, फिर वहाँ पे कोई आएगा बोलेगा भाई एक सैंडविच दे दो, एक सैंडविच एक्स्ट्रा कर देना, वो वहाँ पे बिल लगा पे, तो वो वेटर पूछेगा आपसे, देखिएगा आप अकेले हैं तो उसका आपका बिल का एक कूपन बना के वहाँ चिपका देगा, जिस आदमी के पास पैसा नहीं है वो आएगा एक सैंडविच का कूपन निकालेगा, एक कॉफ़ी का कूपन निकालेगा, जाके वहाँ देगा अपनी कॉफ़ी, अपना सैंडविच लेके खा लेगा, चला जाएगा, ठीक है। तो लोगों में ग्रेटिट्यूड की वो फीलिंग है कि मैं यदि अफोर्ड कर सकता तो मैं दो कॉफ़ी ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। बायोमेंटर्स पेश करते हैं स्पेशल ऑप्स मिशन 705 बैच नीट 2025 के लिए, एक विशेष बैच जो रिपीटर्स के लिए डिजाइन किया गया है सिर्फ ₹30,000 में, 6 महीने का कोर्स सितंबर से फरवरी तक। इस बैच में आपको मिलेंगे ऑफलाइन टारगेटेड DMT, कॉन्सेप्ट बेस्ड DMT एक्सप्लेनेशन, पार्टिसिपेटरी लर्निंग, वीकली टेस्ट, स्पेशल डाउट सेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रैक्टिस, स्पीड बिल्डिंग स्पेशल सेशंस। कोई लंबी क्लास नहीं, केवल इंटेंसिव प्रैक्टिस। भोपाल कमांड सेंटर पर स्पेशल ऑप्स बैच में केवल 165 सीटें हैं। रजिस्ट्रेशन जल्द ही खुलेगा। केवल सिलेक्टेड कमांडो को ही स्पेशल ऑप्स मिशन 705 बैच में प्रवेश मिल सकता है। हम इस फॉर्म के आधार पर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करेंगे और उनके साथ इंटरव्यू करेंगे। प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें।